वेलकम टू बीएडी क्लासेस, माइसेल्फ विवेक कुमार वर्मा। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, जितना सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट देगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज देखिए जरा यहाँ पे, अभी तक हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट की थी सॉल्यूशन चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का क्या स्टार्ट किया था, सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो उसमें बेसिक हम भी पढ़ा रहे थे, इलेवन की चीजें पढ़ा रहे थे। ठीक है, कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी, है ना, इलेवन आप इतना डीप में नहीं गए होंगे, लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए। अब वो टर्म्स आपके यूज होंगे तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ने कहा था नॉर्मलिटी निकालना देख लिया था। ठीक है, इक्विवेलेंट वाइज जो भी आपका था, आपने नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट वाइज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लिखा था नॉर्मलिटी, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, वो सब आपने निकालना देख लिया था। अब आप बात आती है फॉर्मेलिटी की। अच्छा, पढ़ क्या रहे थे, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना। तो जहां पे वॉल्यूम दिखेगा आपको क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। यहाँ देखो वॉल्यूम दिखा है ना, क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट। दूसरी चीज देखो जरा, फॉर्मेलिटी होता क्या है एक्चुअल में, फॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा चलो देखो जरा फोर मोल्स क्या, तो उसको फोर मोल्स होता क्या एक्चुअल में ना, ये चीज। ठीक है, तो इसको भी बताते हैं फोर मोल्स होता क्या। दो चीजें होती है, मॉलिक्यूलर मास दो टाइप के होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है, एक ऑब्जर्व होता है। ठीक, थ्योरेटिकल क्या होता है, जो आप सीधा आपके से बी एफ थ्री है ना, या बी एस थ्री है, ये आपके जो फॉर्मूला होते हैं ये डाइमर फॉर्म करते हैं ना, जैसे बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड क्या फॉर्म करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा, है ना, बेंजोइक एसिड क्या फॉर्म करेगा, डाइमर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा वो क्या होगा आपका थ्योरेटिकल होगा, और जो इसका डाइमर फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्या बोलेंगे, अगर डाइमर फॉर्म उसे क्या बोलेंगे आपका, ऑब्जर्व बोलेंगे। ठीक है, समझा ना, तो ऑब्जर्व होगा क्या, उसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा या सिंपल डाइमर फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, तो ज्यादातर क्वांटम फैक्टर जो आई आता है वो कितना आता है, 0.5 का प्रॉक्स आता है। अच्छा, क्वांटम फैक्टर क्या होता है समझेंगे सब कुछ क्या होता है। ठीक है, समझ नहीं आएगा, देखो फॉर्मेलिटी होगी कि आपकी नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, ये होता है। ठीक है, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफएन बाय वीएल। एफएन क्या होगा, नंबर ऑफ फोर मोल्स किसके, सॉल्यूट के, वॉल्यूम सॉल्यूशन का किसमें, लीटर में। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो जरा फोर मोल्स क्या होता है, सिंपल क्या बताओ मुझे कि मोल्स क्या होता है, मोल्स होता क्या है, मोल्स आपका सिंपल क्या होता है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है, वहां पे थ्योरेटिकल होता है ना, जो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, बेंजोइक एसिड है तो C6H5COH आप ले लोगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे वो क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, है ना। अगर बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व किया जा रहा है किसी चीज में, सॉल्वेंट में, तो वो क्या बनाएगा, एक हमेशा डाइमर बनाएगा, तो जो ऑब्जर्व आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइमर हो जाएगा। डाइमर का समय ना समझाते हैं, सब कुछ समझाएगा। ठीक है, जरा यहाँ से देखो, ये फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, एफ एन बाई बी एल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फॉर्मेलिटी हो गई, और फॉर्मेलिटी में एफ एन क्या होगा, नंबर ऑफ फोर मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा। ठीक है, अब फोर मोल्स क्या होता है, अब फोर से डरो मत, फोर हटाओ, ये बताओ मुझे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मॉलिक्यूलर मास या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट बाय ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, है ना, ये फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ऑब्जर्व या फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अच्छा यहां से इसको क्या ले सकते हैं, अब देखो इसको हमने बोला है ऑब्जर्व फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट, जैसे पढ़ा रहे थे पढ़ते चलो। ठीक है, तो यहां से एफएन कितना हो जाएगा, एफएन होगा क्या, फोर मोल्स होगा, और फोर मोल्स में मैंने क्या बोला है, वेट डिवाइड बाई फॉर्मूला ऑब्जर्व फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास हो गया, है ना। ठीक है, या मैंने क्या बोला था इसको, इसको कैसे शो कर सकते हो, इसको एक तरीके से शो करते हो, किससे, एम ऑब्जर्व से, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास, समझ में आया क्या है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है आपका वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, एम नॉट या वेट बाय एम थ्योरेटिकल, समझ में आया। जो आपका एमओ होता है, जो नॉर्मल होता है, वही क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, ये क्या होगा आपका, ऑब्जर्व होगा, ये वो ऑब्जर्व नहीं है, ये ऑब्जर्व अलग हुआ, कैसे हुआ, फॉर्मूलर मास हो गया आपका सिंपल। ठीक है, अगर ये एक क्वेश्चन भी लेके आप उसको समझाएगा, आप जितना बता रहा उतना समझते चलो। ठीक है, ये हो गया आपका फोर मोल्स हो गया, देखो है क्या, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ही तुम्हें, है ना, वेट बाय कैसा मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, सिंपल फोर मोल्स हो गया। बस इतना ही चेंज होता है, पूरा फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है, किसका, फॉर्मेलिटी का। ठीक है, इतना चेंज होने के बाद पूरा आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी एक्चुअल में होती क्या है बताओ, मोलैरिटी होती नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वहां नंबर मोल्स आता है, यहाँ क्या आता है, नंबर ऑफ फोर मोल्स आता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मेलिटी में। ठीक है, अब जरा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू रख दी जाए तो फॉर्मेलिटी कितनी निकलेगी आपकी, फॉर्मेलिटी आपकी हो जाएगी, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट इंटू वन अपॉन वी एल, है ना, ये आपकी फॉर्मेलिटी। अगर आपको फॉर्मेलिटी पता चल गया है, हाँ,
अब यहाँ से हम बहुत अच्छा रिलेशन निकालेंगे, किसका? अब रिलेशन निकलेगा आपका मॉलिक्युलैरिटी और फॉर्मेलिटी में रिलेशन निकलेगा, वहीं से एक फैक्टर आएगा, वन ऑफ फैक्टर आई, देखेंगे क्या होता है, कैसे निकलता है, एक्चुअल होता है क्या है वो चीज़, ठीक है। अब तो कुछ चीज़ें आप निकल निकल के आ रही धीरे धीरे ना, ठीक है, तो आप बने रहिए ऐसे ही, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब अगली वाले जल्दी से दोनों नोट कीजिए, इस बार आप परेशान मत हो, अगर किसी समझ में नहीं आया निकालना भी बताऊंगा सब कुछ, है ना। आप एक काम करो जल्दी से हेडिंग डालो, इसके बाद हेडिंग क्या डाला है, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी, तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी की बात करें, क्या हेडिंग डालना है, रिलेशनशिप बिटवीन है, ठीक है, मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, फॉर्मेलिटी को कैपिटल एक्स से शो करते हैं। सबसे पहले दोनों को फॉर्मूला लिख लेंगे, उसका डिवाइड बाय करके जो भी रिलेशन निकले वो निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे फॉर्मेलिटी होता क्या है, फॉर्मेलिटी मैंने अभी क्या बताया था, नंबर ऑफ फोर मोल्स Fn डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ये बताया था। और Fn क्या था, Fn था वेट बाय थ्योरेटिकल या ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, ये तो था इनटू VL, है ना, इतना हो गया था। ये क्या आएगा, फॉर्मूला फॉर्मेलिटी आया था, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ मोलैरिटी क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये जो मोल्स होता है वो क्या होता है, वेट बाय थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट, कैसा होता है, वेट बाय थ्योरेटिकल, तो इसे क्या लिख सकते हो, W बाय MT इनटू 1 बाय VL, ये लिख सकते हो, देखो समझ में आया, ठीक है। M क्या है मोलैरिटी, F क्या है फॉर्मेलिटी है, इसमें निकालना है रिलेशनशिप, क्या आपको बोथ को डिवाइड कर दो, है ना, दोनों को आप क्या कर दो डिवाइड कर दो सिंपल, तो F डिवाइड बाय N, जब F डिवाइड बाय N करोगे तो F बाय N, I'm sorry, इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो W बाय M ऑब्जर्व्ड इनटू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय W बाय M थ्योरेटिकल इनटू 1 अपॉन VL कैंसिल आउट हो जाएगा ये, ठीक है, W से W चला जाएगा, MT कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास आ गया, आया क्या आया, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, ये F by M क्या आया है, F by M आपका आया है theoretical molecular mass divided by observed molecular mass, और theoretical molecular mass और observed molecular mass को ही one factor बोला गया था I, ठीक है, यहीं से निकल आता है कि आपका I है क्या एक्चुअल में, है ना, देखो चीजें निकल निकल के आ रही है, मान लो आपने 11th नहीं पढ़ा हुआ, I नहीं पढ़ा हुआ कहीं भी, I होता क्या है, ठीक है, आपको भी one factor जब पढ़ाएंगे तो आपको वहां जरूरत लगेगी, तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में आया कहां से, देखो कहां से निकलता है ये, फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशनशिप से निकलता है, एक्चुअल में होता क्या है, थ्योरेटिकल बाय ऑब्जर्व, है ना, ऑब्जर्व हमेशा ज्यादा होगा, आज ऑब्जर्व आगे ज्यादा होता है 99.9 केसेस में, है ना, तो ये वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाएगी, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ना, कभी कम नहीं हो सकता है, ठीक है, इतना समझ आया, तो फॉर्मेलिटी बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू आई, देखो कितना अच्छा रिलेशन निकलेगा, कितना खूबसूरत, क्या है, फॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी इज इक्वल टू आई, तो यहां से लिख सकते हैं फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आई इनटू एम, और यही आई क्या होता है, वांट ऑफ फैक्टर होता है, लिख लो जल्दी से, आई होता क्या है, वांट हाफ फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, आपको मोलैरिटी किसी तरह मिल गया है तो आप आई निकाल के फॉर्मेलिटी बता सकते हो, है ना, या आपको बता दें कि कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा, डाइमर बनाएगा तो एल कितना हो जाएगा, देखो अगर डाइमर बना रहा है, देखो जरा मैं बता जा रहा था, मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, 2.44 ग्राम्स ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसोसिएटेड इन प्रेजेंट इन बेंजीन, ठीक है, अब एक चीज बताओ, बेंजोइक एसिड आपका हमेशा जब भी बेंजोइक एसिड डिजॉल्व किया जाएगा बेंजीन में तो हमेशा वो क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा, क्या बनाएगा, वो डाइमर बनाएगा, डाइमर क्या होता है, जब उसको किसी चीज का कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, है ना, तो अपना ऑक्टेट के लिए क्या करता है, डाइमर बना लेता है, जैसे BF3 ले लें, है ना, तो BF3 में अगर बात करें बोरॉन की और फ्लोरीन की, ठीक है, जरा ध्यान से सुनो, एक एग्जांपल है, एग्जांपल ले रहा हूं, डाइमर होता क्या है, ठीक है, जैसे आपने BF3 लिया है तो बोरॉन फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना लेगा, और लुईस का ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इसके पास, मतलब इस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट 2, 2, 4, 2, 6 है केवल, अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन स्टेबल है क्या, नहीं है, अगर स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, अपने दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा, है ना,
तो क्या हो जाएगा, जब दूसरे कंपाउंड के साथ ऐड होगा, मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता था, बी बी एफ एफ एफ, ये हो गया एफ एफ एफ, ठीक है। तो ये देखो जरा, ये क्या हो गया, देखो दो दो चार दो छह दो आठ, दो दो चार दो छह दो आठ, दोनों के बोरॉन के पास क्या हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बोरॉन का दोनों, और फ्लोरीन का भी ऑक्टेट तो पहले कंप्लीट था, देखना बोरॉन का था। तो ये चीज क्या हो गया, देखो ये डायमर बन गया, क्यों डायमर बनता है, स्टेबिलिटी के लिए बनता है ना, ठीक है। तो यहां से जो निकालेंगे ये कैसा होगा, थ्योरेटिकल होगा, जो आपके एग्जाम में दिया गया था BF3, है ना। और ये क्या है आपका, ये ऑब्जर्व है, आपको ये ऑब्जर्व होगा, टाइमर बनेगा वो, ठीक है। यहां से क्या निकलेगा, m ऑब्जर्व निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा, m थ्योरेटिकल निकलेगा। अगर m थ्योरेटिकल आपका x है, m थ्योरेटिकल अगर x है, तो m ऑब्जर्व कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो दो मॉलिक्यूल्स के ऐड हुए, तो i कितना हो गया, x / 2x, i कितना आ गया 0.5, समझ आ गया, ठीक है। आपको रिलेशनशिप पता चल गया, फॉर्मेलिटी इक्वल टू आई इनटू एम, कैपिटल एम, एम क्या हो गया मोलैरिटी हो गया, एफ क्या हो गया फॉर्मेलिटी हो गया, आई क्या हो गया वांट फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, परेशान ना हो, मैं अब एक कल वाले लेक्चर में जो न्यूमेरिकल से कराऊंगा, है ना, आपको थ्योरेटिक थ्योरी है उसको बता देता हूं, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा आपका, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, एक एक लाइन करना सिखाएंगे कैसे होता है, चार्ट बना के बोर्ड पास में पूरे मिलेंगे, करके आना, वो कटेगा आपसे, ठीक है। अच्छा जल्दी क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट ये कराएंगे, इसके बाद में कुछ कंसंट्रेशन बता के कस्टमर वेरिएबल्स कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है, 2.44 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, आपका सॉल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूट क्या है, कौन सा बोल रहा है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है। ये सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा, सॉल्यूट होगा, एसिड इज डिसॉल्वड इन बेंजीन, किसमें डिसॉल्व हो रहा है, बेंजीन में, बेंजीन क्या हो जाएगा आपका, सॉल्वेंट, है ना, बेंजीन क्या बनेगा आपका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, किसमें लेना है, लीटर में लेना है, किसमें ml में है, तो किसमें बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देन फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी फॉर्मेलिटी, आपको फाइंड क्या करना है, पहली बात तो कैपिटल m फाइंड करना है, दूसरा क्या फाइंड करना है, फॉर्मेलिटी फाइंड करना है। हमको पता है कि फॉर्मेलिटी होता क्या है, i into कैपिटल m होता है ना, i क्या होगा, वांट फैक्टर होगा, ठीक है। I actually क्या होता है चलो ठीक है, यहां जरा ध्यान से देखो, आपको निकालना है मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में, हमको डाइमर वाली कंडीशन किसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी आपका एक्चुअल में होता क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, ठीक है। तो एक चीज बताओ मुझे जरा, वॉल्यूम की बात करें, सारी जितने गिवन चीजें हैं यहां पे लिख लें, तो गिवन आपका क्या क्या दिया गया है, गिवन में आपका सबसे पहले है बेंजोइक एसिड का वेट है, तो वेट कितना है 2.44 ग्राम है, ठीक है, जो मास है वेट एक ही चीज हुई ना, कितना है 2.44 ग्राम है बेंजोइक एसिड, और आपका ये क्या दिया गया है, ये जो वॉल्यूम दिया गया है किसमें है, ml में है, तो 500 किसमें बदलेंगे, लीटर में, तो 10^-3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब ml को लीटर में बदलेंगे 10^-3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर इज इक्वल टू 0.5 लीटर हो जाएगा, समझ आया था, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, बेंजोइक एसिड है आपका, बेंजोइक एसिड होता क्या है, C6H5COH, यही होता है बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस ओइक एसिड, ये होता है बेंजोइक एसिड, होता क्या है, बेंजीन और ओइक एसिड दोनों जोड़ दो तो C6H5COH, ये आपका होता है बेंजोइक एसिड, C6H5COOH क्या होगा, बेंजोइक एसिड, और यही क्या है आपका, सॉल्यूट है ना, बेंजीन सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मतलब नहीं पड़ रही, सॉल्वेंट किसमें आता है आपका, मोलैरिटी में आता है ना, तो उसकी वहां देखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा इसका जरा हमको चाहिए क्या, पहले थ्योरेटिकल चाहिए, ये जो दिया गया है किसका होगा, थ्योरेटिकल होगा, ये हम बात करें एम थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा, एम थ्योरेटिकल इज इक्वल टू 6 इंटू कार्बन का प्लस 5 इंटू हाइड्रोजन का प्लस कार्बन का प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का प्लस हाइड्रोजन का, ये होगा है ना, और ये आपका एक्चुअल में आएगा कितना, ये आपका आना चाहिए 122, आप ऐड भी कर लो, तो 6 और ये क्या हो गया 7 हो गया,
और कार्बन कितना होता है 12 होता है ना, तो लिख सकते हैं 7 × 12 + 5 हाइड्रोजन + 11 हाइड्रोजन 6 × 1 + 2 × ऑक्सीजन कितना होता है 16 है ना, ऐड करो 84 + 6 = 32 कितना आएगा जल्दी से बताओ 84 एक मिनट टाइम मिस्टेक किया किसी ने ठीक है दोबारा देखो उसको नेक्स्ट ठीक है देखो 4 × 8 = 12 हो गया मतलब 2 आ गया ये एमटी कितना निकलेगा एमटी आगे इधर 2 आ गया इधर कितना बचेगा 8 और 3 8 3 11 और 1 12 कितना आएगा 122 और यूनिट क्या होती है मॉलिक्यूलर मास की ग्राम पर मोल ठीक है अब याद होना चाहिए ये चीज होती है ठीक है कितना होता है ग्राम पर मोल कहां से निकलता है बताते हैं फॉर्मूला क्या है अच्छा ठीक है नंबर अब नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे नहीं निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट कौन सा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल होता है अच्छा वेट कितना है 2.44 है अब देखो ये से यूनिट की बात मैंने की थी जो एमटी से लेके जाओ वेट बाई नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा वेट क्या होता है ग्राम मोल्स क्या होता है पर मोल तो यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास की कितनी होती है ग्राम पर मोल अगर कोई पूछे तो राइट नंबर लगाओ ग्राम पर मोल बोला करो है ना ये करेक्ट होता है डायमेंशन ठीक है तो आपकी मोलैरिटी कितनी आ गई 4/100 मोल पर लीटर ठीक है इतना जल्दी से नोट करो कि बनते फॉर्मेलिटी पे है ना थोड़ा सा बचा आपकी फॉर्मेलिटी हो जाएगी देखो समझ में आया मेडिकल कैसे होगा आपको चीजें समझा रही है अगर कोई दिक्कत हो समझाने में या कोई दिक्कत हो गई आपको लिखने में समझने में है ना छोटा लिखा हो कुछ भी हो आप कमेंट कर दीजिएगा ठीक है अच्छा इसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअल में ठीक है इसके बाद बात करते हैं आगे बढ़ते फॉर्मेलिटी में ठीक है तो फॉर्मेलिटी क्या होगा कहां पर रफ करेंगे ठीक है फॉर्मेलिटी क्या होगा देखो जरा ध्यान से फॉर्मेलिटी के लिए देखो जल्दी से कितना है 0.0.0 ठीक है ये भी देख लेते हैं 0.04 मोल पर लीटर मोलैरिटी आपकी कितनी है 0.04 मोल पर लीटर मोलैरिटी आ गई है आपकी 0.04 मोल पर लीटर ठीक है अच्छा अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेलिटी की तो हमको पता है फॉर्मेलिटी होता क्या है आई इंटू मोलैरिटी होता है आपको मोलैरिटी मिल गया है किसी तरह आई मिल जाए वाटर फैक्टर है ना आई मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका फॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं आई के लिए क्या चाहिए बताओ एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई एम ऑब्जर्व है ना आई होता क्या एक्चुअल में आई होता है एम थ्योरेटिकल डिवाइडेड बाई एम ऑब्जर्व तो एम थ्योरेटिकल कितना था हमारा जल्दी बताओ 122 है ना और मैंने बताया डाइमर फॉर्म करता है तो एम ऑब्जर्व डायरेक्टली कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ एम ऑब्जर्व कितना हो जाएगा 2 × 122 होगा नहीं होगा तो डाइमर फॉर्म करेगा कितना बनेगा 224 ये बनेगा नहीं बनेगा अच्छा तुम निकाल देते डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखो बेंजोइक एसिड था जब डाइमर बनाएगा तो बेंजोइक एसिड पहले फॉर्मूला देखो क्या होता है CH3COOH होता है इसको जरा ध्यान देखो ये लिख सकते हैं बेंजोइक एसिड है ना तो C6H5 होगा ना ठीक ये होगा इसको लिख क्या सकते हैं देखो C6H5C यहां पे O लगा सकते हैं और यहां पे OH लगा सकते हैं ठीक है दूसरा कंपाउंड लिख लो C6H5 ठीक है इसके बाद क्या आएगा C आएगा अब यहां पे क्या लगाएंगे O लगाएंगे और ये क्या बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब एक हाइड्रोजन कनेक्ट होता है क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ठीक है इधर देखो जरा अब बचा क्या OH बचा O यहां पे आ जाएगा और H कहां पे आ जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आ गया ये तो H आपका ऐड हुआ है अब ये जो बॉन्ड बनना था क्या हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है तो देखो सिंपली आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से हो गया कनेक्ट क्या बन गया डायमर बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड तो वीक होता है ना ठीक है तो क्या बना डायमर डायमर में दो बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपके ऐड हो गए एक तो बेंजोइक एसिड ये हो गया दूसरा बेंजोइक एसिड कौन सा हुआ ये वाला हुआ है ना अगर इसका 122 है तो इसका भी 122 होगा मतलब दोनों मिला कितना हो जाएगा 2 × 122 ये किसका है एम ऑब्जर्व है कितना आ जाएगा 244 ऑब्जर्व आ गया तो यहां से आई अगर निकालोगे आई क्या होता है एम थ्योरेटिकल डिवाइड बाय एम ऑब्जर्व तो ऊपर कितना होगा 122 / 244 कितना आएगा बताओ 1/2 मतलब 0.5 आएगा नहीं आएगा ज्यादा तक केस में आई आपका 0.5 आता तक दिया गया हो ठीक है 99.9% केसेस में ठीक है समझ आ रहा है निकालना समझ आया आपको आई आ गया आपको पता है मोलैरिटी कितनी थी मोलैरिटी थी 0.04 मोल पर लीटर तो हमको फॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी एम इंटू आई एम कितना
कितना है 0.04 मोल पर लीटर इंटू 0.5 कितना आ जाएगा 0.02 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका क्या मोल पर लीटर, क्या आ गया आपका ये फॉर्मेलिटी आ गया। देखो कितना आसान है चीजें, ठीक है। ये मैं चाहता हूं ना बताता आपको डायरेक्टली बताता है I = 0.5 होगा यहां पे और रीजन भी ना बताता, बट क्यों होगा समझ आया, क्योंकि वो डाइमर फॉर्म करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहां पे सिंपल, एक डाइमर फॉर्म हो जाएगा तो डाइमर में क्या निकलता है ऑब्जोल निकलता है ना, तो आप यहां से आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब रिगार्डिंग ppm पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम है ना, वेट बाय वॉल्यूम तो पहले वेट बाय वॉल्यूम देखेंगे फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखेंगे। तो डायरेक्ट वाला जैसे ppm पार्ट्स पर मिलियन, ppm क्या था पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी करो ppm वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा ये ppm था क्या, मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या बताया था ppm क्या था आपका पार्ट्स पर मिलियन, परसेंटेज में जब 100 से मल्टीप्लाई होता है तो ppm में कितना मल्टीप्लाई होगा 10^6 से, ये तो मिलियन होता है ना, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, समझा था ना, कितना मल्टीप्लाई होगा 10^6 से, क्योंकि 1 लाख में 5 जीरोज होते हैं तो 1 मिलियन में कितने हो जाएंगे 6 जीरोज हो जाएंगे, देखो 10^6 6 जीरोज हो गए, ठीक है। तो यहां जरा देखो पार्ट्स पर मिलियन क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन होगा जहां पे भी आप क्या लिखोगे ऊपर क्या होगा सॉल्यूट, नीचे क्या होगा सॉल्यूशन होगा डेफिनेशन में, और मल्टीप्लाई 10^6 तो यहां से डेफिनेशन क्या निकलेगी इज इक्वल टू वेट ऑफ, ये वेट है WD ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, किसमें ग्राम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, किसमें मल्टीप्लाई किससे 10^6, समझ आ गया, ठीक है समझ आया। अच्छा इसके बाद बात करें ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, किसकी ppm वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई किससे करोगे 10^6 से, क्यों क्योंकि मिलियन है, अगर ये परसेंटेज है तो क्या करते थे 100 से मल्टीप्लाई करते थे है ना, ठीक है। आपको डेफिनेशन याद होगी ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई 10^6 क्योंकि यहां पे क्या था पार्ट्स पर मिलियन था और मिलियन में 10^6 होता है, ठीक है समझ आया था। अच्छा इसके बाद आप देखो जल्दी से घटना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं है ना। अब यहां से आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट चीज चलेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पहला क्या था परसेंटेज वेट बाय वेट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला खत्म हो गया, सब चीजें पढ़ लिया हमने, मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैरिटी पढ़ दिया, फॉर्मेलिटी पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ दिया, परसेंटेज वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ना, ये सब चीजें हमने फिनिश कर ली है। अब पढ़ेंगे क्या यहां से स्ट्रेंथ पढ़ लिया, ठीक है। अब हमको पढ़ना है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इतनी भी है ना। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में जल्दी से लिखो पहला टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आप डाल दो ऊपर रनिंग, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपका फिनिश हो गया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थिंग्स आपकी क्या क्या है, सबसे पहली बात आती है बचा क्या था परसेंटेज वेट बाय वेट बचा था है ना, और ppm वेट बाय वेट बचा होगा, ठीक है। ये दो चीजें पढ़ते जल्दी से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहां पे परसेंटेज वेट बाई वेट होगा क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है ना, डिवाइड बाय किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें ml इंटू किसे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये डेफिनेशन होती है परसेंटेज की, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका फर्स्ट हो गया इसका, सेकंड आएगा इसका आपके क्या परसेंटेज ppm, क्या आएगा ppm वेट बाय वेट, तो ऊपर क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें ml, बट डिफरेंस क्या होगा 10^6 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर कितने से होगा 100 से होगा क्योंकि परसेंटेज था, यहां पे मिलियन है तो किससे हो जाएगा 10^6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा,
तो चीजें आपको रट गई होंगी अब तो, ठीक है। अच्छा इसके बाद करते हैं, आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मोल फ्रैक्शन, है ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा सॉल्यूशन बनेगा, अगर सॉल्यूट को ए मान लें सॉल्वेंट को बी मान लें सॉल्यूशन आपका सी हो जाएगा, है ना, एटी बोल दें टोटल, है ना, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत यूज होता है आपका थर्मो में भी यूज होता है कभी कभी, ठीक है, है ना। मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, पार्शियल प्रेशर की जगह पे आपका यूज होता है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हैडिंग डालो टेंपरेचर इंडिपेंडेंट में आपका है क्या इसके बाद मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हैडिंग डालो मोल मोल फ्रैक्शन, जल्दी से निपटाते हैं इसको, है ना। है क्या आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स, ठीक है। देखो जरा सबसे पहली बात, अगर आप एक कंटेनर ले लो, ठीक है, उसमें आप ए नंबर ऑफ मोल्स क्या ले लो, सॉल्यूट ले लो, बी नंबर ऑफ मोल्स आप क्या ले लो, सॉल्यूशन ले लो, सॉरी सॉल्वेंट ले लो, ठीक है, दोनों डिजॉल्व करा दो, आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है, तो पता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स किसके लिया है, सॉल्यूट के, एन बी नंबर ऑफ मोल्स किसके लिया है, सॉल्वेंट के, है ना, और दोनों को डिजॉल्व करा दिया है। तो बोल रहे कितना फ्रैक्शन होगा ए का सॉल्यूशन, कितना फ्रैक्शन है ए का, ये चीज है कितना फ्रैक्शन आपने निकल रहा है, किसका फ्रैक्शन है, मोल का फ्रैक्शन है ना। ये क्या है आपका कॉन्सेप्ट सिंपल क्या है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने देखो जरा ध्यान से, आपने किया क्या है, एक कंटेनर लिया है, ठीक है, जिसमें ए नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, बी नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के, ये किसके हैं, सॉल्यूट के, और ये किसके हैं, सॉल्वेंट के, ये किसको क्या ले सकते हो, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसे क्या ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अच्छा ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा तो टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, एन ए प्लस एन बी होंगे नहीं होंगे, है ना। तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स को एन टी ले रहे हैं तो एन टी इक्वल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी, है ना, ये सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। तो देखो मोल फ्रैक्शन दो चीजों में निकलेगा, जितने भी आपकी इंडिविजुअल थिंग्स होती है, है ना, जितनी भी चीजें होती है सॉल्यूशन में सबका मोल फ्रैक्शन निकलता है। तो पहला सॉल्यूट के निकालेंगे, फिर किसके निकालेंगे, सॉल्वेंट के निकालेंगे, है ना। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ए, सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, एक्स बी, ठीक है। ये किसका है, सॉल्यूट का है, ये किसका है, सॉल्वेंट का है, तो ये किसका होगा, सॉल्यूट का होगा, ये किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, क्योंकि बी क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा मोल फ्रैक्शन होता क्या है, लिख लो डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू इंडिविजुअल मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब इन द सेंस क्या है, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, है ना, जिसका हमको मोल फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। अगर यहां पे आपका, ठीक है, समझ आया, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स से, इससे क्या लिखे, देखो एक्स आई इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, एन आई बाई एन टी, आया समझ में। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज इक्वल टू एन आई बाई एन टी, अगर ए का चाहिए तो एक्स से क्या हो जाएगा, एन ए बाई एन टी, बी के चाहिए तो एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी आई एन टी, ठीक है। सी है अगर कोई तीसरा कंपाउंड आ जाए तो एक्स सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सी बाई एन टी, ठीक है। तो जिसका चाहिए उसका मोल फ्रैक्शन, उसके नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस खत्म, ठीक है। तो अगर हम सॉल्वेंट का निकाल, सॉल्यूट का निकालें, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एन ए बाई एन टी, ठीक है, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी बाई एन टी, समझ आ गया, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, जब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, जब वो कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है, इन दोनों को जब ऐड कर दिया जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, तो क्या आएगा, एन ए बाई एन टी प्लस एन बी बाई एन टी, और ये क्या बन जाएगा, सिंपल एन ए प्लस एन बी ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाई एन टी, और एन ए प्लस एन बी क्या होता है, एन टी ही तो होता है, और एन टी टी कैंसिल, क्या बन जाएगा, वन। मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, वन आता है, ऐसा ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअली क्या दे दे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दे दे, हमसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पूछ ले, है ना, या ए दे दे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पूछ ले, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आपको दो कंडीशन याद होनी चाहिए, पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, सम ऑफ दी ऑल मोल फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 + xn जितने भी है, सबका सम क्या
ओपन होगा। कहां से समझ में आया? ठीक है, ये तो आपके कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, सोचना मत कि बहुत कम पढ़ा है, परेशान मत हो। अभी न्यूमेरिकल सबसे अच्छे आएंगे, सबको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो मुझे थोड़ा कवर करना है 11th का, इसे थोड़ा जल्दी चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी की बात करें तो मोड्स ऑफ सॉल्यूट डेफिनेशन क्या होती है? देखो सब में क्या चल रहा है, मोड्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर चला नहीं चल रहा है, मोड्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय यहां क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही डिफरेंस होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही डिफरेंस है मोलैलिटी में और मोलैलिटी में। मोलैलिटी में क्या चलता है? वेट बाय वॉल्यूम चलता है। मोलैलिटी में क्या चलता है बताओ? मोल्स बाय, वहां पे मोल्स बाय वॉल्यूम चलता है और यहां क्या चलता है? मोल्स बाय वेट चलता है। लेकिन वहां नीचे किसका आता है? सॉल्यूशन का आता है। यहां नीचे किसका आता है? सॉल्वेंट का आता है। मैंने बोला भी था, जब मैंने बोला सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट होगा, एक्सेप्ट मोलैलिटी, ये टर्म्स मैंने यूज किया था। तो मोलैलिटी में नीचे क्या आ जाता है? सॉल्वेंट आ जाता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, आपका क्या है? मोलैलिटी। यहीं से आपका अभी मोलैलिटी करवाने के बाद मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी रिलेशन करवा देंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल्स का आराम से करवाऊंगा। ठीक है, जरा ध्यान रखो मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होगा? देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्वड इन पर केजी वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट में, किसके में? सॉल्वेंट में। अब देखो जरा ध्यान से, पर केजी है ना, तो वेट ही तो होगा, वॉल्यूम मत कर देना गलती से, बोलो नीचे वॉल्यूम कर देंगे, है ना, क्योंकि वॉल्यूम चल रहा था ना अभी तक। ठीक है, तो करोगे क्या? मोलैलिटी, मोलैलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय किसका वेट, वेट किसका लिख लो? सॉल्वेंट का, और किसमें? केजी में। ये होती है डेफिनेशन आपकी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये क्या हो गया कि मोलैलिटी हो गई। ठीक है, अगर ये मोलैलिटी है तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? हम सीधा पढ़ेंगे, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बताओ? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, कौन सा? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट है ना। तो यहां से मोलैलिटी क्या हो जाएगा, स्मॉल एम लिखना सा एक लाइन और दो, n = क्या हो जाएगा? n = हो जाएगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, है ना। तो ये वैल्यू उठा पुट कर देना, यहां कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, m t लिख लो या mo, बात एक ही होती है ना, obs ऑब्जर्व हो जाता है ना। ठीक है, मजा आ रहा है। अच्छा इसके बाद देखिए क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन से हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी में। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, अपर रिलेशन भी निकल आएगा। ठीक है, दो चीजें हो जाएगी, एक ऐसे दो ताली बजाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय ग्लूकोज प्लस वाटर इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.2। ये कह रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज दिया गया है, देयर फाउंड आउट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा इसमें सॉल्यूट क्या होगा आपका, बोलो जल्दी से, ग्लूकोज क्या होगा आपका? सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा। जो कम होता है सॉल्यूट होता है, ज्यादा होता है सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अच्छा हमको निकालना क्या, मोलैलिटी निकालना है। जरा मोलैलिटी जो चीज निकालनी है उसका फॉर्मूला को याद होना चाहिए। तो मोलैलिटी एक्चुअल में होता क्या है, स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय क्या था, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में। ठीक है, अच्छा यहां सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसके? ग्लूकोज के। ऊपर क्या होता है? सॉल्यूट होता है, डिवाइड बाय वेट ऑफ किसका? बोलो जल्दी से, किसका होगा? वाटर, किसमें? केजी में। ये आपको निकालना है ना। तो इसके लिए आप मोलैलिटी के लिए चाहिए क्या? सबसे पहली बात तो वेट चाहिए केजी में, किसका? वाटर का। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ग्लूकोज के। हमको दिया क्या गया है, ग्लूकोज का क्या दिया गया है? ग्लूकोज का 0.2 क्या दिया गया है? मोल फ्रैक्शन दिया गया है ना। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी लेके आपका आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपको नहीं बताए तो आप कुछ अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। आप 10 लेके कर लेना, आप 100 लेके कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो मैं करना क्या है, जहाँ पे मोल नहीं दिए गए हूँ आप कितना अज्यूम कर लोगे, 1 मोल अज्यूम कर लेना, है ना। लेट अस अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1। आप 100 ले लो यार, 1000 ले लो, वो आप डिपेंड करता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है, है ना। ठीक है, अच्छा हमने क्या अज्यूम किया, लेट अस अज्यूम दैट, लेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसे क्या लिख सकते
सकते हैं एनटी इज इक्वल टू वन, ये एज्यूम करना है आपको कुछ भी लेकर कर लेना, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये मत बोलना कि वन क्यों ले लिया, आप टेन लेके करना आपका आंसर वही आएगा, हंड्रेड लेके करोगे आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। आपने टोटल नंबर ऑफ मोड्स बोल ले लिए, अब जरा मुझे चीज बताओ एनटी क्या होगा, नंबर टोटल नंबर ऑफ मोड्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द वाटर, है ना, है ना। उससे पहले अच्छा समझ आता है ना, अच्छा एक काम करो जरा यहां से, हाँ एक काम करो, ये हो गया। देखो जरा यहां पर दिया क्या गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द किसका, मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया, ग्लूकोज का कितना है 0.2। मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, एस जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, होता होगा नहीं होगा, होगा यहां से फॉर्मूला होगा, मतलब कि आपका मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का 0.2 है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। और ग्लूकोज नंबर नंबर आपको ये पता कितना है 0.2, एनटी कितना आपने अज्यूम किया है 1, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये चेंज रहेगा, बट आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अज्यूम करना है, जब नहीं कुछ चीज नहीं होती उसको अज्यूम कर लेते हो, ठीक है। जैसे मैंने वैल्यू बताया 100 ml अज्यूम कर लोगे, वैसे यहां पे कितना अज्यूम करोगे, आप 1 अज्यूम करोगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 0.2 मोल्स, किसका है ग्लूकोज का, टोटल 1 है यहां पे, ग्लूकोज का 0.2 है, तो वाटर कितना निकलेगा बताओ, वाटर कितना आ जाएगा 0.8 आएगा, नहीं आएगा, आया नहीं आया 0.8, ठीक है आगे 0.8, है ना। वाटर क्यों निकाला, क्योंकि हमको किसका दिया गया था, सॉल्यूट दिया गया था, ये किसका है सॉल्वेंट है, हमको पता है क्या करना है आपको, चलो ठीक है इतना आया, अब आगे बढ़ते जल्दी से, ठीक है। अब जरा बात करो तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय वाटर का वेट, तो वाटर का वेट कहां से निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स मोल से ही तो निकलेगा, है ना, ठीक है। अच्छा वेट होता क्या है जरा मुझे बताओ, वेट होता क्या है एक्चुअल में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर किसका वेट लेते हैं सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट लेते हैं ना, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है नहीं सॉल्वेंट, है ना, तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है आपका सॉल्वेंट ही तो है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर, ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, और वेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है, नहीं होता है 2 × 1 + 16, तो कितना हो जाएगा 18, नहीं होता है, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होता है 18 होता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया आपका 0.8 आ गया, तो 0.8 × 18 इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर, आया नहीं आया, यही तो रिक्वायर्ड था हमको, है ना, समझा, ठीक है। लेकिन ये किसमें आया है, ये किसमें था, ये किसमें आता है, ग्राम में आता है, नहीं आता, इसकी यूनिट क्या बताई थी, ग्राम पर मोल बताई थी, ये किसमें आया होगा, ग्राम में आया होगा, तो मैंने बोला था इसकी यूनिट क्या रखो, क्या हमेशा ग्राम पर मोल, आप उस टाइम पे आप लोग को मजाक लग रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये जब ग्राम पर मोल है तो ये मोल ग्राम पर मोल कैंसिल आउट, मोल कैंसिल आउट, ग्राम बचा होगा, ठीक है। और रखना किसमें है, केजी में रखना है ना, तो यहां से वेट ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा 0.8 × 18 किसमें, केजी में, तो 10⁻³ सिर्फ 10³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, या सिंपल किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब किसमें आ जाएगा, ये केजी में आएगा, यहां किसमें था, ग्राम में था, समझ में आया कि नहीं आया, आपको वेट मिल गया सॉल्वेंट का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए किसके, ग्लूकोज के सॉल्यूट के, डिवाइड कर दो सिंपल, है ना। तो यहां से एक चीज बताओ जरा, यहां पे लिखते रफ कर दें, इधर नोट को रफ करते हैं, ठीक है, ठीक। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितने थे ग्लूकोज के आपके, 0.2, ठीक है। तो आपको तो पता है मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ग्लूकोज डिवाइड बाय वेट ऑफ द वाटर इन केजी, यही तो होगा, नंबर ऑफ मोल्स किसमें थे 0.2 होंगे, एक मिनट ये ग्राम में था तो किसमें मल्टीप्लाई करोगे 10⁻³ से करोगे ना, ग्राम को केजी बदलना है तो 10⁻³ किससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 से करोगे, 10⁻³ से नहीं करोगे, 1000 नहीं करोगे, ठीक है, समझा, क्योंकि अगर केजी में होता 10% में मल्टीप्लाई होता ना, क्योंकि ग्राम में किसे बदलोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। नीचे क्या होगा, वेट किसने दिया गया है, वेट कितना आया 0.8 × 18 × 10⁻³ आया, और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 0.2 × 1000 डिवाइड बाई, अच्छा 8.8 को 1 - 0.2 लिख सकते हैं,
वन माइनस इसको आपका आंसर यही आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना ठीक है, मैं रिलेशन लिखवा रहा हूँ, 0.2 इंटू 18 आ गया। ये 0.2 था क्या एक्चुअल में, नंबर ऑफ पोर्स ऑफ द ग्लूकोज था, नहीं था तो ये क्या हो जाएगा एनजी हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस एनजी हो गया, ये भी एनजी हो गया। 18 क्या था, मॉलिक्यूलर वेट किसका था, सॉल्वेंट का, वाटर का था, वाटर क्या था सॉल्वेंट था ठीक है। इनटू क्या है 1000, क्लियर इतना ठीक है, दिख रहा है आपको। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स लिख लो या नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इसको लिख सकते हो, या इसको क्या लिख सकते हो मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो, या एनजी एक्सजी भी लिख सकते हो, इसको इसको क्या लिख सकते हो एक्सजी भी लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा एक्सजी हो जाएगा ग्लूकोज का है ना। तो वो फॉर्मूला क्या निकला आपका ठीक है, ये क्या हो गया आपका मोलैलिटी हो गया, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में फॉर्मूला आ गया आपका। फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज डिवाइड बाय 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज इन 2000 डिवाइड बाय मोल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। देखो अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला आता होता तो मोल फ्रैक्शन आपको ग्लूकोज से दिया गया है 0.2 दिया गया ना, रखते यहां पे 1000 मल्टीप्लाई करते मॉलिक्यूलर मास किसका सॉल्वेंट का, 18 रखते आपको कुछ भी नहीं निकालना पड़ता, आईक्यू भी नहीं करना पड़ता नंबर ऑफ मोल्स है ना, आपको जो है नंबर ऑफ मोल्स को आईक्यू भी नहीं करना पड़ता ठीक है, इतना जो चीज हमने किया है इतना कुछ जिसको करना ही नहीं पड़ता ठीक है। अब यहां पे वेट किसमें को बस इतना ठीक है, अच्छा क्या ध्यान से पढ़ो, तो आपका मोलैलिटी क्या निकला है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका सॉल्यूट इन 2000 डिवाइड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसका सॉल्यूट इन टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। इतना आपको अगर याद आ गया तो आपको कंपाउंड पता हो, एक चीज दी गई है बस केवल, इससे आप पूरा सब कुछ निकाल सकते हो, जितना कैलकुलेशन मैंने एक पेज का किया वो करना नहीं पड़ेगा आपको। ये है आपका फायदा रिलेशन मोलैलिटी में और मोल फ्रैक्शन में। अब जरा फॉर्म पे डायरेक्टली लो, जरा मोलैलिटी निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन किसका दिया गया ग्लूकोज दिया कितना 0.2 दिया गया है, 0.2 इन 2000 होगा है ना, और नीचे 1 माइनस 0.2 कितना होगा 0.8 इन टू यहाँ पे 18 वाटर कितना मान कर 18 हो जाएगा है ना, ये क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, 4 ये कैंसिल आउट होगा 250 है ना, आंसर क्या आएगा 250/18 जैसे क्या लिख सकते हो 125/9 ये आपका आंसर हो जाएगा, आ गया मोलैलिटी है ना। यूनिट क्या होगी जरा बताओ मुझे, ऊपर मोल चलता है नीचे क्या चलता है वेट चलता है केजी में, तो यूनिट क्या होगी मोल पर केजी। देखो फॉर्मूला कितना आसान है, एक लाइन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, फॉर्मूला गलत भी नहीं है, कोई काट नहीं सकता है, आपका दोनों वैलिड है ठीक है, आप चाहे उससे करो उसमें आपने कहीं भी थोड़ी गलती कर दी यूनिट में तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा। आपने इसी याद क्या करना है, आप अगर डेली ड्राइव कर लोगे पूरा तो आपको चीजें याद हो जाएगी ठीक है। ठीक है समझ आया, किसी को अगर दिक्कत हो उस क्वेश्चन में दोबारा मैं बता दूंगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है ठीक है, समय अच्छे से इसको नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाते रहना अच्छे, साथ साथ में आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, टेंशन मत लो, जो समय पीछे पूरा प्रिपेयर हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कल मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस करेंगे इसके बाद थ्योरेटिकल प्रॉपर्टीज ऑपरेटर्स पढ़ेंगे है ना ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना ठीक है, थैंक यू।